सलमान खान, सलमान खान का बॉलीवुड में सिक्का चलता है। सलमान खान की गिनती मशहूर एक्टरों में होती है, लेकिन सलमान खान का बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस है जिन्हें सलमान खान ने लॉन्च किया है। साथ ही साथ सलमान खान पे ये भी आरोप लगता रहा है कि सलमान खान ने काफ़ी एक्टरों का करियर बर्बाद भी किया है। इस लिस्ट की बात करें तो सलमान खान ने कटरीना कैफ और बहुत सारी ऐसी हीरो ने जिन्हें लॉन्च किया है, जैसे सोनाक्षी सिन्हा होगी, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने काफ़ियों का करियर बर्बाद कर दिया। इस लिस्ट में आते हैं विवेक ओबराय। विवेक ओबराय के साथ जब ऐश्वर्या राय का अफेयर की खबरें आ रही थी, तो विवेक ओबराय ने सलमान खान के बाद काफ़ी स्टेटमेंट की थी। उन्होंने कहा था सलमान ने मुझे धमकियाँ दी है, वो दिए, उसके बाद से विवेक ओबराय का करियर ख़त्म हो गया था। अरिजीत सिंह ने कई बार कहा था कि सलमान खान ने मुझे मेरे गाने से निकलवा दिया था, फिल्म में मेरे गानों से निकलवा दिया था, जिसके बाद सलमान खान ने अरिजीत सिंह को कभी माफ़ नहीं किया और उनके जितने भी पिक्चरों में गाने थे वो कटवा दिए थे। रणवीर कपूर और कैटरीना कैफ अजब प्रेम की गजब कहानी में साथ आए थे और इनकी जो नज़दीकियाँ है वो बढ़ने लगी थी और ये सलमान खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। रणवीर कपूर बेहतरीन हिट फिल्मों देने के बाद भी उनको फिल्में नहीं मिलने लगी थी और एकदम से उनका करियर फ्लॉप हो गया था। इसका जिम्मेदार सलमान खान को बताया जाता है। सोनू निगम ने भी कई बार बताया कि सलमान उनके जो फिल्मों से उनको गाने कटवा रहे हैं, उनका करियर ख़त्म करना चाहते हैं, और लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अर्जुन कपूर, कहा जाता है कि अर्जुन कपूर सलमान खान को गॉडफादर मानते हैं। सलमान खान ने ही उन्हें अपनी वेट लॉस करने और उनकी बॉडी बनाने में हेल्प करी थी, लेकिन सलमान खान ने, जब से मलाइका अरोड़ो के साथ इनका अफेयर हुआ है, सलमान खान इनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। जॉन अब्राहम और सलमान खान जानी दुश्मन है। साल 2006 में कॉन्सर्ट में सलमान खान और जॉन अब्राहम के बीच झड़प हो गई थी। बाद में कहा यह जा रहा था कि जॉन अब्राहम को बाबुल में से हटवा दिया गया था और कहा जाता है कि इसके पीछे सलमान खान का हाथ था। ऐश्वर्या राय, कहा जाता है ऐश्वर्या राय और सलमान खान का बेहतर मोहब्बत करते थे। सलमान खान 2 साल का रिलेशनशिप था, लेकिन बाद में इनका ब्रेकअप हो गया था और उसके बाद ऐश्वर्या राय ने सलमान खान के बारे में आवाज़ भी उठाई थी। उसके बाद से कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों ने ऐश्वर्या राय के साथ काम करना बंद कर दिया था। अभिनव कश्यप दबंग 2 के डायरेक्टर थे और इन्होंने कहा था कि सलमान मुझे बुरी करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने मेरे करियर को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करी थी।